सफेद सोने का गढ़ कहे जाने वाले निमाड़ में कपास फसल की आवक शुरू हो गई है। ऐसे में पहले दिन मंडी में कपास की खरीदी बिक्री का दौर शुरू हुआ, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल सफेद सोना उत्पादन में खरगोन खासी उपलब्धि प्राप्त कर चुका है। पहले दिन शुक्रवार को मंडी व्यापारियों ने कपास खरीदी शुरू की। आपको बता दें कि परंपरागत रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी और सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी पहुंचे और पूजन अर्चन करके किसानों को शुभकामनाएं दी। खरीदी के दौर में 12 बैलगाड़ी सहित 21 वाहन मंडी पहुंचे और 5000 से 5500 के भाव में कपास की नीलामी की गई। इस दौरान कपास के भाव को लेकर किसानों के चेहरे पर खुशी की रंगत साफ तौर पर दिखाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में फसल का भाव मिलता रहे। वहीं शुभारंभ की बेला में पहुंचे सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने किसानों से मिलकर संवाद किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भेंट की। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ से? आज भाव खुले हैं, कैसा लगा? आज पहला दिन था। अच्छा, क्या भाव मिला आपको? 5400 है। खुश हो आप? आज कपास का शुभ मुहूर्त था, आपकी गाड़ी पीकी है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बहुत बढ़िया रेट मिले हैं कपास के। क्या रेट मिला? 51 से 51। आगे क्या उम्मीद करते हो आप? आगे 6000 मिलना चाहिए, 6000 से 7000 तक मिलना चाहिए। लॉकडाउन के कारण भी कई फसलें पहले खराब हुई, सरकार और ऊपर वाली सरकार दोनों ध्यान रखेगी किसानों का, ऐसी उम्मीद है। आज से नए साल के लिए कपास की आवक शुरू हो गई। उस आवक की शुरू का विधिवत पूजन अर्चन करके शुभारंभ किया और मंडी के व्यापारी किसानों का कपास की फसल लेने के लिए तैयार हो गए। आज से ही आज 5151 रुपये के भाव पहली गाड़ी बिकी है। मैं उस व्यापारी भाई मंजीत सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ और किसान कपूर डोंगरे और पप्पू रघुवंशी को भी बहुत, और तमाम जो किसान आज अपना उपज लेके आए हैं, कपास लेके आए हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत बधाई, धन्यवाद। मुहूर्त वही किया है और अच्छा भाव खुला है 5151 रुपये का, और उम्मीद है कि आगे 7000 रुपये तक भाव जाएगा। तो किसानों को खूब बहुत उम्मीद है इस बार कपास, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।